हेलो गाइस, वेलकम टू पाइको गेमिंग चैनल। तो यार, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एमुलेटर में क्या क्या सेटिंग कर सकते हो, और ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार मतलब कैसे आप कौन सा कीबोर्ड का कौन सा स्विच आप कौन सा फंक्शन के लिए यूज करोगे, वो कैसे सेटिंग करना है आपको, मैं ये वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे सेटिंग करना है, कौन सा स्विच कौन सा फंक्शन के लिए कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ ये वाली वीडियो में। तो यार गाइस, ये जो सेटिंग्स है इसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जा सकते हो, या तो फिर अपने कंट्रोल्स में जाके, सेटिंग में जाके, कंट्रोल्स में जाके भी आप इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहा हूँ, तो देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड जाके। जाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यार देखो, कैरेक्टर जीएमआई का जो अपडेट है उसमें पहले आपको जाना पड़ेगा चेयर पार्क में, उसके बाद ही आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जा सकते हो। ये फीचर तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि यार डायरेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड ज्यादा बेटर रहता, चेयर पार्क जाके ट्रेनिंग ग्राउंड जाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलते हैं यार, और जैसे ही हम ट्रेनिंग ग्राउंड जाएंगे मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हर चीज सेटिंग कर सकते हो। आप ट्रेनिंग ग्राउंड में भी कर सकते हो या तो फिर अपने कंट्रोल्स के साथ भी कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल्स के साथ भी कैसे करना है आपको सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो यार देखो, पहले यहाँ पे हम लोग आ गए हैं चेयर पार्क को, तो आप चेयर पार्क में भी सेटिंग कर सकते हो सारी चीजें, हमको ट्रेनिंग ग्राउंड भी पूरा जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रूट डिक्लाइन कर दिया। तो यार एक काम करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ अभी गेम्स कंट्रोल में। यहाँ पर पहले हम लोग जाते हैं सेटिंग्स में, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो सेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं सेटिंग का ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद देखो, ये जो बेसिक में जो सारी सेटिंग्स है, ये सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर लेना। और जो गायरो का, ये गायरो का है, जो गायरो का ऑप्शन रहता है कि गायरो ओपन करना है या नहीं, तो यार अगर आप पीसी में खेलो तो गायरो का जरूरत नहीं है, गायरो को क्लोज ही रखना। पीसी में गायरो का बिल्कुल कोई हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती। और ग्राफिक्स का जो रहा, आप अपने लैपटॉप के हिसाब से या तो फिर अपने पीसी के हिसाब से जैसा रहेगा आप उसको, सूटेबल रहेगा उसको रख लेना। उसके बाद कंट्रोल्स में जब आओगे तो यार देखो, कस्टमाइज में आना है आपको। यहाँ पे कंट्रोल्स में आने के बाद आप देखो, मोबाइल में तो जो रखे होंगे शायद, देखो अगर लेआउट वन में आपने अपना कंट्रोल्स रखा हुआ है, मोबाइल का कंट्रोल्स रखा हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लेआउट टू को अप्लाई कर देना। और ये क्या होगा, ये जो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट वाला आपके स्क्रीन में रह जाएगा, और सेव कर देना, इसको एडिट कर देना। और जब मोबाइल में खेलते रहोगे तो आपको फिर से लेआउट वन में खेल लेना है। और जो ये सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी में आपको सिर्फ गायरो का जो सेंसिटिविटी है उसको का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, तो गायरो सेंसिटिविटी को उसको यूज मत करना, गायरो सेंसिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। और जो एडीएस वगैरह है ये सब आपको यूज करना पड़ेगा। मैं मोबाइल में गायरो यूज करता हूँ, इसीलिए मेरा एडीएस का सेंसी सब बहुत कम रखा हूँ मैं। और बाकी यहाँ पिकअप का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्कोप, ऑडियो सेटिंग, ये सारी सेटिंग आप खुद ही कर सकते हो। तो मैं फिर आपको बताता हूँ आप क्या सेटिंग आपको करना होगा। यहाँ पर गेम कंट्रोल्स देख रहा है ऑप्शन आपको, एमुलेटर में गेम कंट्रोल्स पे आपको आ जाना है। और यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक ऑन स्क्रीन कंट्रोल दिख रहा होगा, तो इसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जो कंट्रोल्स आपके होंगे सारे स्क्रीन में दिखने लगेंगे। ये देखो, इसका ऑक्यूपेसिटी मैंने कम रखा हुआ था इसलिए कुछ नहीं दिख रहा था, इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सारे कंट्रोल्स देखो जो पहले से सेट होके हैं वो आपको दिखा देंगे यहाँ पे। तो मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है ये चीज। और यहाँ पर देखो ओपन एडवांस एडिटर का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली ओपन एडवांस एडिटर को मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो गाइस, एडवांस एडिटर करने के बाद यहाँ पर देखो सारे बटन दिखा रहे हैं आपको पहले से। तो यार ये अगर आप रहने देना चाहते हो तो रहने देना, अगर आपको ये पसंद नहीं, आप अपने हिसाब से सारे बटन, सारे ऑप्शन को अपने हिसाब से रखना चाहते हो, तो ये सारी जो चीजें हैं इसको आपको काटना पड़ेगा ऐसे। ओके गाइस, तो
पहले ये सब काटने के बाद, ये सब कंट्रोल्स को डिलीट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर ओपन एडवांस एडिटर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं अपने हिसाब से सारी चीजें सेट करूंगा। यहाँ पर देखो फाइट नहीं है आपको यहाँ पे, तो इसको रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखो यहाँ पर देखो ये बटन में मैंने कुछ ऑप्शन सेट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पे जो टैप स्पॉट दिख रहा है आपको ऑप्शन, तो यहाँ पे टैप स्पॉट से लाके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन में दिखा रहा है एम पैन एंड सूट, तो ये जो एम पैन एंड सूट है इसको लाके आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ देखो एफ एन दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको पहले काट देता हूँ, एफ एन को मैं काट देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ नंबर 1। ओके तो नंबर 1 मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये सब सारी चीजें हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक बटन खाली है, तो मेरे को यहाँ पर कुछ देना है ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डबल टैप कर देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डबल टैप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ पी। तो मैं पी मारूंगा तो मेरा ये मैसेज बॉक्स जो है ये खुल जाएगा। तो देखते हैं यार, इसके इतना सेट करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सेव ऑप्शन है, यहाँ पे सेव ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सेव ऑप्शन में आप क्लिक करते ही ये जो सेटिंग्स है आपके सेव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको रिटर्न कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद आप वापस आ गए। अब देखो अब जब वापस आ जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पर गेम में चलते हैं हम बैकपैक की ओर चलते हैं। मेरा थोड़ा सेंसी ज्यादा है क्योंकि मैं गायरों में खेलता हूँ, मोबाइल पे हाई सेंसी में खेलता हूँ, इसलिए सेंसी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर देखो स्प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लो। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो बैकपैक दिखा रहा है 3 बैग, तो उसमें से मेरे को लेवल 3 का उठाना है या लेवल 2 का। तो आप क्या करना है यहाँ पे देखो, जब सेटिंग कर रहे होगे ऑन स्क्रीन कंट्रोल कर दोगे, तो यहाँ पर देखो सारी बटन दिखा रही है, तो यहाँ पर बटन दिखा रही है उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं जी प्रेस करूंगा तो लेवल 2 का बैग उठाएगा। देखो 1 मिनट, यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा पहले स्क्रीन पे। तो पहले स्क्रीन पे मैं प्रेस किया, अब देखो जी प्रेस करूंगा उठा लिया। अब देखो मैं एच प्रेस करता हूँ, तो देखो लेवल 1 का बैकपैक उठाएगा वो, और यहाँ पे देखो लेवल 1 का बैकपैक उठाया। अभी एफ प्रेस करूंगा तो देखो लेवल 3 का बैकपैक उठाएगा, एफ प्रेस किया तो देखो लेवल 3 का बैग उठाया। तो ऐसे ही आप अपना सेटिंग कर लेना। और यहाँ पर देखो अगर हम जाते हैं गन गन पकड़ने के लिए, यहाँ पे गन गन पकड़ लेते हैं पहले पहले तो मैं M249 यहाँ पे है पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर एक मिनी है उसको पकड़ लेते हैं। तो 2 गन हमारी हो गई। ओके अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो यार, यहाँ पर देखो स्क्रीन पे यहाँ पे अब एक पे दिखा एक लिखा हुआ है M249, और 2 पे देखो मिनी लिखा हुआ है। तो मैं अगर 2 प्रेस करता हूँ तो देखो मेरा मिनी पकड़ लिया कैरेक्टर, 1 प्रेस किया तो पकड़ लिया दूसरा वाला गन। और यहाँ पे देखो बी प्रेस किया हुआ है तो ये जो बी लिखा हुआ है दोनों के ऊपर में, ये ब्रश्ड या तो फिर ऑटो ये सिलेक्ट करने के लिए है। तो M249 का तो ब्रश्ड ऑटो नहीं होता, इसमें भी ब्रश्ड ऑटो नहीं होता ये गन में। तो मैं कोई दूसरा गन आपको लेके दिखाता हूँ जिसमें ब्रश्ड हो और ऑटो ऑटो मोड का ऑप्शन हो। 1 मिनट, ओके हम यहाँ पर इसको पीपी वाइजन पकड़ लेते हैं। ओके पीपी वाइजन, और यहाँ पर हम चल जाते हैं इसको पकड़ लेते हैं, हाँ M762। तो यार देखो M762 मैंने अभी पकड़ा हुआ है, तो इसका देखो ब्रश्ड ऑटो ये सब ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखो M762 को मैं अभी ब्रश्ड करूंगा, तो बी मैंने लगाया तो सिंगल हो गया, अभी बी मैंने फिर से दबाऊंगा तो फिर ब्रश्ड का ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो जब कार में कंट्रोल करोगे, या तो फिर आप ट्रिबिना ट्रेनिंग ग्राउंड आए ही यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल्स पे जा सकते हो। कंट्रोल्स पे जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाएगा, और यहाँ पे कस्टमाइज में देखो सारी चीजें सेट हुई। यहाँ पे स्प्रिंट देखो स्प्रिंट है, लेकिन स्प्रिंट में मैंने कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले जाता हूँ गेम कंट्रोल्स पे, गेम कंट्रोल जाने के बाद मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद एडवांस एडिटर में आता हूँ, एडवांस एडिटर करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक में कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने शिफ्ट का ऑप्शन दे देता हूँ, L Shift का, लेफ्ट शिफ्ट का। तो स्प्रिंट के लिए मैं अगर शिफ्ट लगाऊंगा तो वो अपने आप स्प्रिंट करने लगेगा। यहाँ पे बैकपैक में कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया और टैप का ऑप्शन दे दिया, तो मेरा और टैप करने लगा यार। यहाँ पे देखो हील हील है, हील के लिए कोई चीज नहीं है, तो हील के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एन, लेट एन यूज करता हूँ मैं हील के लिए, तो मेरा वो हील यूज करने लगेगा। यहाँ पर देखो जो पिक के लिए है, पिक के लिए या लेफ्ट पिक, तो मैं यहाँ पर क्यू दबाता हूँ, और राइट साइड पिक के लिए
मैं यहाँ पर डालता हूँ ई, उसी हिसाब से मैंने डाल दिया। और स्कोप एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, स्कोप एडजस्ट करना है मेरे को तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जेड, तो जेड में से मेरा स्कोप एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिवाइव का ऑप्शन दिखा रहा है तो मैं रिवाइव के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ एफ। तो जब आप गेम खेलोगे ये सारी फंक्शन आपका काम करने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार, जब आप ये सब अपने हिसाब से सेट कर लो उसके बाद आपको आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम का ऑप्शन है एक तो देख लो, तो यहाँ पे जूम करने के बाद तो यहाँ आपको डबल क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे राइट क्लिक को दे देना, तो आप जब राइट क्लिक करोगे तो अपने आप आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। मैं दिखा दूंगा आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में अभी अभी इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद और यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद अब देखो एग्जिट कर लेते हैं, हम डोंट सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एग्जिट करने के बाद ये देखो आ गया गेम, तो गेम में अभी मैं स्कोप ओपन हो गया। देखो देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ तो गेम में स्कोप ओपन हो रहा है, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो स्कोप ओपन हो रहा है। अभी मैंने एडीएस का एडीएस सब जीरो रखा हुआ है इसलिए मेरा गन घूम नहीं रहा है गेम के अंदर। माउस मैंने ऊपर रखा हुआ है इसीलिए, तो माउस को जब इनबिल्ट कर दोगे तो वो अपने आप गेम के अंदर माउस जब चला जाएगा। तो मैं F11 प्रेस करता हूँ, पहले F11 प्रेस करूंगा तो मैं बताया था आपको ये पहले फुल फुल स्क्रीन हो जाएगा, तो सारी ये सब सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। और ये जो रहता है माउस, ये कंट्रोल, ये इसका ये जब गेम के अंदर खेलोगे आप तो ये क्या होगा, ये माउस ऊपर नहीं रहेगा। मैं आपको बताने के लिए माउस ऊपर रखा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें इसलिए। तो यार बस इतना ही है वीडियो में, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और यार कोई चीज दिक्कत आ रही है एमुलेटर में तो यार मेरे को जरूर आप कमेंट कर सकते हो यार, अगर वीडियो भी अच्छी लग रहा है आपको और आपको भी एमुलेटर पसंद है, आप चाहते हो कि आपकी तरह जो बंदों को एमुलेटर पसंद है वो भी इसके बारे में जाने, तो यार वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और यार सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह की वीडियो बनाने में। तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और थैंक यू।